गणेश, जय श्री कृष्णा। द कान्हास किंगडम के रिकॉर्डेड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम स्नेहा है, जय श्री कृष्णा। और हम श्री ठाकुर जी के सेवा, श्रृंगार, पुष्टिमार्गीय भाव की जानकारी के रिलेटेड सारे वीडियोस बनाते हैं। आपको अगर हमारे अन्य वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस देखिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आप शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वीडियो में हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, बहुत पतला है, साथ है पवित्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर की हम पवित्रा लेंगे, सुई धागा लेंगे जिससे हम पवित्रा को टाई करेंगे। हमें सीजर की भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी हम स्टेपल भी यूज़ करेंगे यानी कि स्टेपलर। देखिए हमने ये लिया है पवित्रा और पवित्रा को हमने एक दूजे के साथ ज्वाइन किया है, जस्ट एक सिंपल सी टाई की है, गांठ लगाई है बस। ऐसे करके हमने टोटल हमारे पास जितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पवित्रा थे उसको हमने जस्ट एक छोटी सी गांठ लगाई है और उसको हमने ये कार्डबोर्ड पर जस्ट राउंड फ्रॉम आउट टू इन, हम उसको नीडल की यूज हाई से जस्ट उसको हम टाई करेंगे। देखिए ये पूरा हमने तैयार कर लिया है। बैक साइड भी देखिए, आपको सुई धागा का धागा दिख रहा होगा। ये कलरफुल होने की वजह से ड्रेस बहुत सुंदर दिखेगी। अभी तो लास्ट वर्क भी बाकी है, बस इसी तरह पवित्रा को हम ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए धीरे धीरे ज्वाइन करने के बाद पवित्रा की बनी हुई ड्रेस किस देखिए इस तरह से दिखेगी। हम पवित्रा की ये ड्रेस बनाने के लिए गम भी यूज़ तो कर सकते हैं, पर अगर गम यूज़ करेंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। जो फिनिशिंग नीडल से आती है वो फिनिशिंग नहीं आएगी। साथ में हमने लड्डू गोपाल की ये प्यारा सा गिफ्ट भी लिया है। लड्डू गोपाल तो वेट कर रहे हैं कि कब हम उन्हें ये सुंदर सा ड्रेस बनाएंगे। देखिए लड्डू जी, अरे वाह, अच्छे दिख रहे हैं ना, राउंड में से देखे तो ज़रा सुंदर, अति सुंदर। चलिए हम लालन को हमारे ये जो ड्रेस बनाया है वो पहना दे। देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। आप चाहे तो आप भी ऐसी पवित्रा का ड्रेस अपने ठाकुर जी, बाल गोपाल, लालन के लिए बना सकते हैं। साथ ही अब और दो पवित्रा को लेकर हम ठाकुर जी को पहनाएंगे। देखिए उसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। हमने कलर चूज़ किया है येल्लो एंड रेड, क्योंकि जो पग हम बनाएंगे पगड़ी वो भी ये येल्लो के कॉम्बिनेशन की ही होगी। अब श्री ठाकुर जी के मस्तक को भी हम सजाएंगे। हाँ जी, इसके बिना तो श्रृंगार अधूरा है। देखिए अब हम श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाकर उनके मस्तक का श्रृंगार करेंगे। हमने और तीन पवित्रा को यूज़ करके ठाकुर जी की पग बनाई है। ठाकुर जी हमारे पगड़ी में बहुत सुंदर दिखते हैं, उनको पग ठाकुर जी को पाग पहनना बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये तो सिंपल सी माला है जिससे हम पग को और डेकोरेट करेंगे। देखिए ये हमने राइट साइड को जस्ट लगाई है। आप चाहे तो लगाव से भी इसको स्टिक कर सकते हैं, पर ये ऐसे ही फिक्स्ड रहेगी, नहीं हिलेगी। और साथ में ये जो और दूसरी माला है उसको हमने जस्ट पगड़ी पर ऊपर से इस तरह रखा है कि जैसे एक सुंदर सा डिज़ाइन क्रिएट हो। हमने मोर पंख भी लगाया। ठाकुर जी हमारे अब बिल्कुल रेडी है। आप हमें बताएं कि आपको हमारे श्री ठाकुर जी का ये श्रृंगार कैसा लगा।
अपना व्यूज़ हमें कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा रहा तो हम ठाकुर जी के कानों में जाकर आपका नाम ज़रूर बताएंगे कि इन्होंने आपके लिए ये मैसेज भेजा है। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें। आप हमारा ये वीडियो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या और कोई सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव परिवार के सन्मुख जाए, वो भी अपने ठाकुर जी के लिए इसी तरह से ब्यूटीफुल से पवित्रा का ड्रेस बनाए। पवित्रा का ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, ठाकुर जी इसमें अद्भुत अलौकिक सुंदर से दिख रहे हैं। हमने ठाकुर जी को श्रृंगार पूरा किया, देखिए आप, हमने फ़ोन भी रखा है, मोरपंख भी है, बंसरी भी है और ठाकुर जी की छोटी छोटी सी देखिए ये मुजड़ी कितनी प्यारी दिख रही है। हमने ऐसी सेम हर कलर की मंगाई है। हम सारा जो भी शॉपिंग किया है लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी का, उसका वीडियो भी शेयर करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंस्पायर करें। जय श्री कृष्णा।